बैटरी दिखा रही है 100 पे या 120 पे जो है हम इसके ब्रेक लेंगे में चलाएंगे और एक्सेलेटर करते हैं कितनी जल्दी जो है ये 0 to 100 करती है। इको बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और मोटर की। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आज हमारे साथ में है MG की विंडसर EV। आप देख सकते हो मैं इस पे कहाँ पे बैठा हुआ, मतलब बूट स्पेस में जो है मैंने इसको सीट फोल्ड करके कुछ इस तरीके से बेड बनाया। 610 लीटर का बूट स्पेस आपको जो है इनबिल्ड कंपनी देती है, बट उसके बाद कुछ इस तरीके का फ्लैट बेड आप जो है यहाँ पे बना सकते हो। ऊपर मूनरूफ जो है इसमें दी हुई है, पूरा जो है यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो आप आराम से लेट के यहाँ पर गाड़ी में। आज हम इसकी जो है ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, कैसा कंफर्ट जो है गाड़ी अंदर से देती है, कैसा चलने में है गाड़ी, बाकी अंदर पे आपको क्या क्या लग्जरी फीचर्स जो है इसके अंदर प्रोवाइड करे गए हैं। MG जो है इसको CUV बुलाती है, क्या है डिफरेंस आपको SUV और सेडान से जो है इसमें अलग जो है मिल जाता है, तो सब कुछ हम कवर करेंगे इस ड्राइव रिव्यू के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से। आपको जो है कीज़ मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन का बटन मिलता है, और इसमें जो आपको फिजिकल की भी यहाँ पर दी हुई है, ये बटन आप प्रेस करके कुछ इस तरीके से जो है फिजिकल की इसकी निकाल सकते हैं। ये आपकी फिजिकल की, इसको वापस इंसर्ट करते हैं और इसमें फ्लैश डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कहाँ पर है कीज़ लगाने का, यहाँ पर ओपन करने का तो ऑप्शन नहीं है इसको फिजिकल की से, बिकॉज इसके अंदर जो है वायरलेस का ऑप्शन, मतलब आप ब्लूटूथ की का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार के अंदर। हम मतलब फ़ोन से इसको जो है अनलॉक कर सकते हैं, तो ये वाला नीड नहीं है, बट अंदर जो है इसके ऑप्शन होगा डेफिनेटली टू स्टार्ट विद दिस की। ठीक है, अभी इसको जो है क्लोज करते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट से देख लो गाड़ी को, आपको वही छोटा बोनट स्टाइल मिलेगा जैसा कि MG कॉमेट मिलता था, छोटू सा बस इतना ही बोनट है। इसको जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फ़ोन को करते हैं साइलेंट। आगे के देखोगे तो कनेक्टेड DRLs मिलते हैं आपको, MG का ग्लोइंग लोगो मिलता है, और ये आपकी फ्रंट हेडलाइट जो है LED पूरी सेटअप मिलती है। 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं आपको। टायर की बात करें तो 215, 55 और 18 इंच का जो है यह अलॉय सेक्शन मिलता है। फ्लैश डोर हैंडल्स यानी कि बाहर को आने वाले कुछ उस तरीके से। रियर में कनेक्टेड टेल लैम्प, मिंस्टर की बैजिंग और बाकी रियर डिफॉगर, 360 कैमरा, ऊपर की तरफ हाइड माउंटेड स्टेप लैम्प। यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट थी बट वो अभी जो है काम नहीं कर रहा। ऊपर की देखोगे तो पूरा ब्लैक सनरूफ तो नहीं, मूनरूफ आपको जो मिलती है। चलिए शुरू करते हैं और अंदर बैठते हैं। सबसे मेन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लाइक आप अगर ऐसे हो तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो स्टार्ट स्टॉप बटन तो उसके अंदर नहीं मिलता। की में भी कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है, की को रख देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है, आपको डबल टैप करना है पेडल पे, दैट सेट। MG की जो आपको पहले कॉमेट मिलती थी सेम वही उसी तरीके से जो है ये स्टार्ट हो जाती है। लाइक अब गाड़ी स्टार्ट है, सिर्फ दो बार ब्रेक को जो है पेडल को प्रेस करना है। वहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है ना यहाँ पर दी हुई है, थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, काम चल सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। और आपको एक इंजन किल स्विच जो है यहाँ पर मिलता है, पावर किल स्विच, इसको दबाती आपकी सारी गाड़ी की जो है पावर कुछ उस तरीके से कट जाती है। तो ये भी जो है काफ़ी सही चीज़ ऑप्शन जो है मुझे लगा यहाँ पे कि पावर जो है कट जाती है पूरी प्रॉपर गाड़ी की। तो वापस से स्टार्ट करनी है तो अगेन डबल टैप टू पेडल एंड योर गाड़ी इज ऑन द रन टू गो। बेल्ट लगाते हैं, न्यूट्रल पे अभी गाड़ी है, बेल्ट पहनते हैं, इसको थोड़े गड्ढे वाले रास्ते पे जो है चला के देखते हैं अभी। और इस पे जाते हैं हम सीधा, अगर ड्राइव मोड पे जाना है नीचे को हमें प्रेस करना है, ऊपर को रिवर्स है, मतलब मर्सिडीज स्टाइल जो है यहाँ पे इंडिकेटर के पास जो है गियर लीवर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं और सीधा रेस देते हैं तो कुछ इस तरीके से।
रिटर्न आता है। यस, बढ़िया तरीके से जो है रिटर्न आता है। ये जो है अभी गड्ढू वाला रास्ता है, आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर, और पूरी धूल उड़ती हुई पीछे की तरफ, टायर चौड़े हैं बिकॉज पावर तो गाड़ी के अंदर दब के दी हुई है, आपको रॉकेट बनती है गाड़ी। स्टेयरिंग की हैंडलिंग वगैरह देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की, लाइक ज़बरदस्त वाली ना, और ब्रेकिंग भी जो है ज़बरदस्त आपको जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अगेन पत्थर को छालते हुए गाड़ी गड्ढों में, जबरदस्त ब्रेकिंग गाड़ी के अंदर आपको मिलती है, प्लस जबरदस्त जो है गाड़ी रेव करती है। अब वापस से यहाँ पर जो है टर्न मारते हैं हम, टायर की आपको जो है जबरदस्त आवाज आ ही रही होगी गाड़ी के अंदर। गड्ढों में सस्पेंशन भी जो है बेहतरीन काम करते हैं, और जैसी आप स्पीड पे होते हो तो हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया काम करती है, जितनी आप स्पीड से चलाओगे ना उसी हिसाब से हैंडलिंग जो है इसकी काम करती है। आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, रेटिकल नॉइज जो है आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही है। अभी देखो ब्रेक की जो मैंने ली है ना, तो उसकी वजह से रेटिकल नॉइज जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिल रही है। डोंट नो किस वजह से है, मोटर की वजह है क्या है, पर थोड़ा सा कुछ आवाज जो है मुझे यहाँ पर मिल रही है। मैं फैन की स्पीड जो है थोड़ी कम करके दिखाता हूँ, लाइक अब आपको आवाज सुनने को मिल रही होगी ना, ये वाली थोड़ी तेज भगाते हैं, अब थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। तेज भी हो रही है, बंद भी हो रही है, पता नहीं क्यों। डालते हैं इसको ड्राइव मोड पे। ड्राइव मोड पे डालने के लिए तुमको गियर लीवर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं और पे गियर लीवर नहीं मिलता। इसका इंडिकेटर वाला और जो वाइपर वाला सिस्टम होता है यहीं पे दिया हुआ है। ऊपर को करोगे तो रिवर्स में चली जाएगी, बीच में जो है न्यूट्रल है, नीचे की तरफ ड्राइव है, पार्क के लिए जो है यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये प्रेस करोगे तो पार्किंग मोड पे जो है चली जाएगी। बाकी अब इसको लगाते हैं ड्राइव मोड पे और हम पार्किंग लाइट को करते हैं बंद और चलते हैं अपने रूट के ऊपर। और जैसे कि अभी हम जो है सिटी ट्रैफिक में ही ड्राइव कर रहे हैं इस कार को, तो देखते हैं कि सिटी ट्रैफिक में जो है कितना परफॉर्म करती है और कैसे करती है। बड़ी सी कार है काफ़ी, साइज़ के हिसाब से 2700 mm का जो है व्हील बेस मिलता है इस पर अंदर आपको। मिरर का साइज़ अच्छा, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी जो है पीछे की आपको जो है दिख जाती है, मतलब काफ़ी वाइड है मिरर्स ना, तो पीछे से क्लियर ट्रैफिक का मूवमेंट आपको जो है दिखता है, तो यानी कि ट्रैफिक में चलाने में आपको जो है ईजी रहने वाली है ये कार। बाकी साउंड तो करती नहीं है कार। चारों जो है सीट बेल्ट का भी इसमें ऑप्शन आता है, अगर आपके पीछे भी कोई बंदा बैठा है और उसने बेल्ट नहीं पहनी है तो ये यहाँ पे जो है बीप करती रहेगी तब तक कि तीसरे बंदे को भी जो है सीट बेल्ट पहननी है यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है अच्छी है। बाकी ड्राइव मोड जो आपको स्विच करने हैं तो आप इस बटन को जो है आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं मास्क की, आपको जो है मोड्स के लिए इस्तेमाल करना है किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब मेनली जो ये बटन है ना आपका उस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे जो है ड्राइव मोड स्विच हो रहे हैं, जैसे अभी स्पोर्ट्स पे है, अभी हम इको प्लस पे चलाते हैं इसको, चार ड्राइव मोड मिलते हैं आपको, इको, इको प्लस, नॉर्मल और आपका स्पोर्ट्स मोड, ये चार जो है इसके अंदर आपको ड्राइव मोड दिए हुए हैं। अभी रेंज जो है 313 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रही है, 99% जो है बैटरी है। बाकी कंटिन्यू करते हैं हम आगे, देखते हैं क्या रहता है। तो फिर से हम एक बार है ट्रैफिक में, और ऐसी बसों वसों का जाम जो है तुमको मिलता रहेगा, बट अपना छोटा और बड़ा व्हीकल कुछ ही कह लो उसको, बिकॉज छोटी से स्पेस में जो है निकल जाता है और इजी है बहुत ना। स्टेयरिंग वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसका। बाकी स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स देखोगे तो देखो जैसे छोड़ते हैं ना तो मतलब हल्का सा मूवमेंट भी दे रहा हो तो देखो गाड़ी जो है कितना टर्न कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है स्टेयरिंग तो। और बाकी सॉफ्ट टच है, पूरा लेदर रैप्ड है, फील एंड फिनिश भी बढ़िया है। यहाँ पे आपके ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इन बटन को आप जो है थोड़ा चेंज बहुत कर सकते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से। बाकी उसको हम जो है एक्सप्रेस वे पे ही लगाएंगे, अभी एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं, तो जैसे एक्सप्रेस वे पे हमको स्पेस मिलेगी तो हम उसका स्पीड टेस्ट वगैरह जो एक्सप्रेस वे की लिमिट है उसके हिसाब से करेंगे। तो भाई जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी ना इस गाड़ी के अंदर वो ये लगे कि आपको सारी चीज के स्विचेस जो है ना स्क्रीन के अंदर है। वाइल्ड ड्राइव में अब मेरे को टॉगल करना है तो पहले तो आप एप्पल कार प्ले चल रहा है या मैप चल रहा है तो मुझे यहाँ से पूरा ढूंढना पड़ेगा जब तक आप यूज टू नहीं हो जाते एग्जैक्टली उसके। और अगर ढूंढते भी तो आपको स्क्रीन पे जो आपका ध्यान जाता है ड्राइव करते टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका फिर यहाँ पर स्क्रीन में
वो सारे फंक्शंस ढूंढने में, लाइक अभी मुझको जो है वेंटिलेशन ऑन करनी थी सीट की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, पहले टॉगल वॉगल करना पड़ेगा, फिर जाके मैं कहीं वो फंक्शन सर्च कर पाऊंगा और देन मैं इसकी जो है ये सीट वेंटिलेशन ऑन कर पाऊंगा। तो मेन प्रॉब्लम है कि फिजिकल बटन्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है वाइल्ड ड्राइव, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता सकते हैं कमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे भी इतनी सारी स्पेस है, लाइक सीट वेंटिलेशन वगैरह के जो बटन्स थे वो यहाँ पे बड़ी इजीली फिट हो सकते थे, एक यहाँ पे दोनों सीट के लिए, या और भी कहीं पे स्पेस बना के जो है वो फिजिकल बटन देने मुझे लगता है कंपलसरी करने चाहिए। गाड़ी को फ्यूचर में अपडेट दे दे तो वो नहीं, बट अभी हाल फिलहाल ये वाली जो है दिक्कत है। वाइल मैप वगैरह जो है आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो है ज़रूर दिक्कत पड़ने वाली है। तो भाई अब जो है हम गाड़ी को हाईवे के ऊपर लेके जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। अभी तो हम हाईवे पे हैं बट हम एक्सप्रेस वे स्विच कर लेंगे, तो उस पे जो है हम इसका स्पोर्ट्स मोड वगैरह जो है सब टेस्ट करेंगे, ब्रेकिंग वगैरह कैसी है। अगर हमें स्पेस मिली तो हम वहाँ पे जो है ब्रेकिंग वगैरह इसकी सब वहीं पर टेस्ट करेंगे। अभी जो फिलहाल है इको मोड में चल रही है और 97 जो है परसेंट यहाँ बैटरी आ चुकी है। इको मोड में भी ना काफ़ी सही सा पंच जो है मिल जाता है, 80 तो जस्ट लाइक क्रॉस कर जाती है गाड़ी, बट वो पावर फील नहीं आती इको प्लस में जो अभी चल रही है, तो उसमें उतनी पावर का फील नहीं आता डेफिनेटली। और ऑटो डिमिंग वगैरह जो है इसका काम करता है, यानी कि ऑटो हेडलाइट मिलती है ना आपको, इसको ऑटो पे लगा के रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो है रात के टाइम ऑन हो जाएगी। बट अगेन हेडलाइट के लिए आपको जो है कोई फिजिकल बटन नहीं दिए हुए हैं, वो भी आपको यहीं से कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो जब सब कुछ जो है ना स्क्रीन बेस है, मतलब अगर आपकी स्क्रीन का भी बच्चे ने कुछ लगा दिया या हैंग वैंग वही अपडेट आ गई, तो उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट जो है ब्लैंक हो जाएगी कार। आप इस गाड़ी को चला रहे हो ना तो ये 82, 83, 84 मैक्सिमम जो है 82 या 83 जाती है। मैंने जो है पूरा पेडल दबा रखा है इस टाइम पे, पूरा पेडल दबाने के बाद भी जो है 83 और पूरी आगे ब्लैंक रोड है, बट इससे ऊपर नहीं जाती। मतलब इको प्लस में इसका सिंपल सा फंडा है कि इसको पावर सेव करना है, तो 82 की जो है लिमिट आ जाती है इको प्लस के अंदर। और इको फिर अब इको मोड में स्विच करके देखते हैं कि इको मोड में जो है कितना डिफरेंस आता है। सो जैसे ही इको मोड में लगाता हूँ तो रॉकेट बन जाती है गाड़ी, तुरंत 100 के आसपास जो है टच हो जाती है। मतलब इको प्लस इसका बेसिकली रेंज का आपको जो है एनजाइटी खत्म करके आपको जो है सिर्फ रेंज बढ़ाने के लिए बैटरी को बचाता रहेगा इको प्लस। फिर नॉर्मल आ जाता है, फिर स्पीड आ जाता है, तो वो सॉरी स्पोर्ट्स आ जाता है। तो अभी हम आगे ब्लैंक रोड पे बिल्कुल जो है टेस्ट करने वाले हैं, बट अभी हमने वापस से जो है इको प्लस में लगा ली, हमारी जो बैटरी है 93% हो चुकी है और हम जो चले हैं अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर अभी हम जो है चले हैं। तो अभी भाई हम एंट्री लेते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये आपका पहला टोल आ जाता है एंट्री पे, मतलब ये एंट्री एक्चुअली में इट्स नॉट लाइक टोल, यहाँ से एंट्री होगी और जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे तो उस हिसाब से हमारा टोल कटेगा। बाकी ब्रेकर वगैरह पे सस्पेंशन तो बढ़िया काम कर रहे हैं इस गाड़ी के, बाकी और रफ रोड पे भी चला के देखेंगे किस किस तरीके से काम करते हैं। 18 इंच के टायर है इसमें। तो बात कर लेते हैं भाई इसके म्यूजिक सिस्टम की। इसमें जो है हरमन गार्डन का सिस्टम मिलता है आपको, 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है, और जो इसकी डिग्गी है या बूट स्पेस है उसके अंदर आपको जो है सब वूफर भी मिलता है, जो स्पेयर व्हील वाला जो सब वूफर रहता है वो। तो टोटल 8-9 स्पीकर का जो है आपको ये साउंड सिस्टम मिलता है। तो इसमें एक NCS का साउंड प्ले करके देख लेते हैं कैसी जो है इसकी साउंड आती है। काफ़ी बेहतरीन जो है साउंड सिस्टम है इसका, आपको बोर नहीं होने देगा, लाइक आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो और अच्छा साउंड सिस्टम जो है इसके अंदर मिलता है। कंफर्ट ऑफ कोर्स मिलता है सीटों के अंदर, सीट काफ़ी वाइड है, प्लस जो इसकी सिटिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सही दी हुई है, और रियर सिटिंग तो सबसे बेहतरीन जो है इसके दी हुई, आपको 70 डिग्री का जो है टिल्ट देती है सीट, तो प्रॉपर आप जो है रिक्लाइन करके आराम से लेट के जो है ट्रैवल कर सकते हैं बड़े मज़े से अपना। बाकी फ्रंट सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और बाकी बैक को आगे पीछे जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। लंबा सपोर्ट आपको जो है इसके अंदर नहीं मिलता, बट फ्रंट वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है जो कि आपका कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव्स पे हो या सिटी ड्राइव्स पे हो और ज़्यादा बढ़ा देती है।
बाकी ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सा रिफ्लेक्शन ज़रूर आता है धूप में, जैसे आप मेरा को ड्राइवर बैठा है उसका रिफ्लेक्शन आपको जो है यहाँ दिख रहा है, बट कलर्स पे डिपेंड करता है कौन से कलर्स आप यूज़ कर रहे हो। मैप यूज़ करते हो तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन पे आपको जो है 15 इंच की जो है इसके अंदर स्क्रीन आती है, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन पे आपको जो है मैप देखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। या बाकी म्यूज़िक वगैरह भी जो आप सुन रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है स्क्रीन वैसे, बाकी जो है फिजिकल बटन की मुझे कमी लगती है जो मैंने आपको बताया, चाहे वो सीट वेंटिलेशन के लिए, चाहे इसकी आपको जो ऊपर ये मून रूफ दिख रही है इसको कर्टेन ओपन करने के लिए भी आपको स्क्रीन को ही टॉगल करना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर आपको इसको यूज़ टू होना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर प्रेस करते हैं और आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, लाइक मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पे ना कि कहाँ पे जो है आपके सारे टॉगल्स है, लाइक यहाँ पे आपके एम्बिएंट लाइटिंग के और ये सारी चीज़ों के जो है मिल जाती है, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग देती है उसके अंदर आपको, मतलब जो प्लेसमेंट है ना एम्बिएंट लाइटिंग की वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही और प्रीमियम फील ज़रूर देती है। लाइक इसके ये स्पीकर सिस्टम जो भी बनाया हुआ है इन्होंने, इसके ऊपर को जो वो है लाइटिंग है, यहाँ को लाइटिंग है, यहाँ को लाइटिंग है, आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग जो है दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है सही बनाता है। बाकी रूफ के कंट्रोल, हेडलाइट के लिए कंट्रोल भी ना आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, बट यहाँ से ऑटो पे लग जाती है, लाइक आपने आप यहाँ पे ऑटो पे सेट कर दिया तो आप जो है रात होती है या अंधेरा होती है जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाएगी, बट आपको कहीं वैसे ऑन करनी पड़ जाए तो आपको यहीं पे टॉगल करना पड़ेगा, बट ये चल सकता है एक बारी हो ना, आप यहाँ से हाई बीम जो है कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है आपको बाकी सारी सेटिंग्स के लिए, लो बीम के लिए, पोजीशन लैंप है या ऑफ है या लेवलिंग है, वो सब जो है आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा स्क्रीन में जाके, उसके लिए आपको गाड़ी रोक के ही सेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप ड्राइव करते टाइम पे वो जो है वो नहीं कर सकते, तो आपको गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी इफ़ यू आर नाइट ड्राइव कर रहे हो और उस हिसाब से जो है सारी चीज़ें सेट करनी है तो आपको गाड़ी साइड में लगा के तब जो है यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो व्हीकल सेटिंग के अंदर जाके आप यहाँ पे जो है इसके मोड्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीन से भी, बट वो आप इस बटन को अपने हिसाब से सेट करके उससे भी जो है सेव कर सकते हैं। बाकी आपको एनर्जी रिकवरी मोड जो मैं आपको बताया था रीजन मोड, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लाइट रखना है, नॉर्मल रखना है या हैवी रखना है, जैसे मैंने हैवी रखा है तो मैं पेडल छोटूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग शुरू कर देगी, आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस में आ गया तो उसने ब्रेक लेके जो है बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का आपको यहीं पर देखना पड़ेगा, ऑटो होल्ड का बटन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक आप ट्रैफिक में हो तो ऑटो होल्ड यानी कि पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक दिए हुए तो वो यहीं से हो जाएंगे, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। कंफर्ट पार्किंग वाला जो आपका ऑप्शन है कि आप क्लोज करके जाओ और निकलो और लॉक कर दो, तो वो जो है यहाँ से ऑप्शन आपका जो है सारी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो भाई आपको जो मिरर्स है वो कंट्रोल करने हैं तो पहले आपको यहाँ पे साइड मिरर की जो है सेटिंग में जाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा, देन आप यहाँ से राइट लेफ्ट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अभी मैंने जो है लेफ्ट सेलेक्ट किया और उसको मुझे पूरा डाउन करना है तो मुझे इस टॉगल स्विच को जो है पूरा नीचे लेके जाना पड़ेगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरीके से जो है आप एडजस्ट कर सकते हो मिरर को, बाकी आपको लेफ्ट राइट में जो है एडजस्ट करना है तो वो ये दो बटन का जो है इस्तेमाल करना है, अगेन आपको राइट मिरर करना है तो आपको फिर से यहाँ प्रेस करना पड़ेगा, देन आप जो है राइट मिरर को जो है कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आगे नीचे ऊपर पीछे, तो कुछ इस तरीके से, लेकिन अगेन आपको जो है स्क्रीन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इसकी सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए राइट लेफ्ट को सेलेक्ट करने के लिए। बाकी सनरूफ आपको एडजस्ट करनी है तो बाकी इसको फोल्ड के लिए आप ऑटोमेटिक फोल्ड पे लगा सकते हो, लाइक आप लॉक करके जाओगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएंगे, आपको मैनुअली फोल्ड करना है तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा और ये जो है मैनुअली फोल्ड होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास जो है ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। बाकी आपको मून रूफ का जो मैंने बताया था, मून रूफ के लिए भी आपको क्या ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे फुल क्लोज करनी है तो जस्ट ये बटन प्रेस करो, बट आना यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स में ही पड़ेगा हर ऑप्शंस के लिए ना, तो लाइक वो देखो अभी बंद हो रही है, पूरी बंद होने देते हैं, स्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पर आ गया, अब इसको फुली ओपन करना है तो ये आप टच कर सकते हो या फिर आपको इस परसेंटेज के हिसाब से अपने आप स्टॉप और उसको जो है कुछ इस तरीके से रोक भी सकते हो, इस लाइन के थ्रू आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, लाइक अभी मैंने हाफ पे रोक दिया तो कुछ इस तरीके से जो है हाफ पे यहाँ रुक जाती है। अभी एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे तो खाली मिलता है मुंबई एक्सप्रेस वे हमारा ऑलवेज, काफ़ी बेहतरीन एक्सप्रेस वे जो है ये है। बाकी अब यहाँ पर जो हम इसका स्पीड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट वगैरह जो है सब यहाँ पर करेंगे, एक यहाँ पर वेंट सर आप जो है टेस्ट होते हुए भी देख रहे होंगे। तो अभी जैसे हम इको प्लस मोड पे चल रहे हैं, 82 से ऊपर नहीं जा रहे, मेरा पूरा पेडल जो है प्रेस है यहाँ पे, अब मैं इसको जो है सिर्फ ये वाला बटन जो है हमने मोड्स के लिए जो है स्विच किया हुआ है, यहाँ पे जैसे ही मैं मोड स्विच करता हूँ उसका, लाइक
इको में आता हूँ तो देखते हैं इको में जो है कितनी जाती है। ये यहाँ पर देखो 106 ट्रिप, 115, 120, 127, 32। अभी जो है हम स्लो डाउन कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की जो डिजाइनिंग है ना वो प्रॉपर ईवी के हिसाब से की है, तो ईवी के हिसाब से जो है ना विंड नॉइज जो है इसमें के अंदर कम आती है, बिकॉज क्योंकि ईवी जो है डिजाइन होती है वो हवा को काटने के लिए डिजाइन होती है, जिससे कि जो है रेंज एफिशिएंट जो है गाड़ी बन जाए। तो उस चक्कर में जो है ना ये गाड़ी जो है प्योर ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी है, ऑफकोर्स डायरेक्ट ईवी प्लेटफॉर्म के लिए ही गाड़ी बनाई गई है, तो उस वजह से ये आपको रेंज भी जो है जहाँ तक है अच्छी दे देगी, और आपको विंड नॉइज वगैरह भी जो है इतनी फील नहीं होती। लाइक अगर मैं 80+ भी जो है इसको क्रूज कर रहा हूँ ना, तो टायरों की नॉइज भी जो है कैबिन के अंदर इतनी ज्यादा ओवर नहीं है, बट हाँ 100 क्रॉस करती थोड़ी क्या काफी ज्यादा टायर की नॉइज जो है आपको फील होने वाली है। विंड नॉइज इतनी नहीं आती है, बट टायर नॉइज ज्यादा जो है उस टाइम पे आती है 100+ क्रॉस होने के बाद, वो काफी सारी गाड़ियों में इस रेंज की आई जाती है, नॉर्मल बात है। बट विंड नॉइज नहीं आती बिकॉज ऑफ द डिजाइन, इस कार का जो ईवी बेस्ड जो है डिजाइन है हिसाब से ना काफी कंफर्टेबल है। लाइक आप यहाँ पे भी और प्रॉपर आपका आर्म के रेस्ट करने की जो है स्पेस यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है, और हाईवे के हिसाब से तो काफी अच्छे जो है परफॉर्म कर रही है गाड़ी। लाइक इसको पिकअप हो या ओवरटेक करना हो, सारी चीजें जो है काफी इनिशियली काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी, सस्पेंशन वगैरह की। तो हाईवे के जो छोटे छोटे बम्प्स है वो काफी ज्यादा इजीली जो है वहाँ पर गाड़ी निकल रही है, तो मस्त जो है परफॉर्म कर रही है हाईवे के ऊपर। तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओवरऑल विजिबिलिटी देखोगे ना गाड़ी की तो काफी ज्यादा अच्छी है। लाइक ये ग्लास देखो आप, यहाँ पे भी जो है क्वार्टर ग्लास छोटा सा आगे की तरफ मिलता है, आगे भी काफी बड़ा सा ग्लास, ऊपर भी ग्लास ही ग्लास है, और साइड्स में भी जो है काफी बड़े ग्लास जो है यहाँ पर मिलते हैं, तो काफी ज्यादा विजिबिलिटी जो है गाड़ी की अच्छी बनती है। रूमी में जो है गाड़ी फील होती है, काफी स्पेशियस जो है गाड़ी फील होती है। ब्लैक इंटीरियर है बट फिर भी स्पेशियस जो है गाड़ी फील होती है बिकॉज ऑफ द ग्लास साइज, और ये स्क्रीन साइज जो है धूप में भी जो है काफी ज्यादा सही जो है यहाँ पर काम कर रहा है। लाइक आप देखो तो इसका एप्पल कार प्ले में जो है यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, तो ये विजिबिलिटी जो है काफी अच्छी है, और काफी बड़ा साइज है तो सब कुछ विजिबल है, और नाइट ड्राइव पे थोड़ा सा मे बी इतनी बड़ी स्क्रीन आपको थोड़ा बहुत जो है दे सकती है, बट मैं अभी नाइट ड्राइव नहीं किया है। नाइट ड्राइव जिस दिन करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस उस दिन जो है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी आपके कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है यहाँ पे यूटिलाइजेशन के लिए दी हुई है। लाइक दो कप होल्डर आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे है। बाकी ये प्रीमियम फिनिश तो गाड़ी के अंदर आपको जो है मिलती है। इसका डैशबोर्ड जो है ना पूरा स्ट्रेट है और पूरा लंबा है, यहाँ से ना मस्त आपको जो है आगे तक का बोनट लिखता है, ऐसा लगता है कि आप जो है सेडान ड्राइव कर रहे हो बट एसयूवी की फॉर्म पे बैठे हो, मतलब इतना लंबा डैशबोर्ड आगे की तरफ मिलता है, सेडान वाली फील आती है, बट आप हाइट के हिसाब से जो है एसयूवी में बैठे हो और इसकी स्पेस के हिसाब से आप एमयूवी में बैठे हो, तो तीनों का कंफर्ट जरूर जो है गाड़ी आपको देती है, तब ये सीयूवी बोला है इसको जो है एमजी ने। बाकी यहाँ पे आप रिचनेस आपकी इसके देख सकते हो, रिच फील होती है गाड़ी का, इंटीरियर प्रीमियम लगता है। लाइक ये एसी वेंट्स हो या ये वुडन टच हो, लाइक ये लेदर का सॉफ्ट टच हो, और ये बड़ी सी स्क्रीन हो, एक आपको छोटा इंफोटेनमेंट 10 इंच का जो है यहाँ पर भी मिलता है, 8 इंच के आसपास का जो है ये स्क्रीन है, 8 से 9 इंच शायद, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, मेंशन जो है मैं वहाँ पर कर दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी 2 स्पोक्स स्टेयरिंग व्हील मिलता है, नीचे से फ्लैट है। यहाँ पे आप देखोगे तो आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, आर्म रेस्ट के साथ आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और फ़ोन की बिल्कुल ईजी एक्सेस आपको दूसरे हाथ में ना, तो ये एक्सेस जो है काफ़ी अच्छी थी। 3 कप होल्डर आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है, टाइप ए टाइप सी पोर्ट आपको जो है वहाँ पर मिल जाता है, और साथ ही साथ स्लाइडर बार जो है आपको यहाँ पर मिलता है। स्पेस के मामले में गाड़ी ज़बरदस्त है, चारों तरफ आपको जो है स्पेस अच्छी मिलती है। रियर में आपको जो है रियर एसी वेंट मिलते हैं, और रियर सीट का कंफर्ट तो अलग है, बट रियर सीट में जिस हिसाब से कंफर्ट जो है दिया है उस हिसाब से रियर सीट में वेंटिलेशन नहीं है। मतलब अगर शॉफर ड्रिवन कार बनाई थी तो रियर सीट में भी वेंटिलेशन आना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिकॉज आप शॉफर ड्रिवन इसको कह रहे हो कि आपने बिजनेस क्लास बनाई है और पीछे की सीट का रिक्लाइन है, यानी कि आपने मेनली जो है शॉफर ड्रिवन कार के तौर पे जो है इसको रिपेज किया, तो आपको पीछे भी जो है सीट वेंटिलेशन का फंक्शन देना चाहिए था। बाकी वैनिटी मिरर्स के साथ आपको जो है लाइट्स मिल जाती है, दोनों मिरर्स में आपको जो है वैनिटी मिरर्स के साथ जो है यहाँ पर लाइट का ऑप्शन दिया हुआ। IRVM जो है आपको ऑटो मिल जाता है, यहाँ पर आप उसका सेंसर देख रहे हो, बहुत लाइट सा जो है सेंसर आपको यहाँ पर दिखता है IRVM का, तो ये भी आपको जो है ऑटो डिमिंग यहाँ पर मिल जाता है। लाइट्स देखोगे तो आपको वाइट और प्रीमियम सी जो है यहाँ पर फिनिश मिलती है, LEDs में वाइट जो है लाइट यहाँ पर दी हुई है, मतलब ओवरऑल कार जो है आपको प्रीमियम फील कराने वाली है डेफिनेटली अंदर से काफ़ी ज़्यादा।
तो आप यहाँ पे ना लाइक नीचे की तरफ देखोगे तो एसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है, बट सीट वेंटिलेशन के नहीं है। लाइक आपको एसी का फैन डाउन करना है तो आप यहाँ बटन से जो है टॉगल कर सकते हो, टेम्परेचर डाउन करना है तो यहाँ से टॉगल कर सकते हो, ऑटो एसी ऑन करना है तो यहाँ पे जो है स्विच कर सकते हो, एसी के मोड्स चेंज करना है लाइक आपको पैरों पे हवा चाहिए, फ्रंट पे चाहिए या डिफॉगर्स ऑन करना है तो आप वो भी यहाँ से जो है चेंज कर सकते हो। और फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर के बटन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी हजार्ड लैंप का स्विच भी जो है यहाँ पर दिया है। वेंटिलेशन का भी यहाँ पर एक बटन जो है ज़रूर आना चाहिए था, जो कि मुझे लगता पर्सनल प्रेफरेंसेस है मेरे। तो आपको यूज़ टू होना पड़ता है इसके ना हर फंक्शन के लिए, मतलब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो यूज़ टू भी हो जाओगे। लाइक अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ मैं और मुझे सीट वेंटिलेशन ऑन करनी है तो मुझे ये एसी का बटन यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। देन यहाँ पर भी सीट वेंटिलेशन का एक ऑप्शन आता है तो आप उसको लेवल जो है यहाँ से अपने सेट कर सकते हो। लाइक मैं 3 लेवल पे जो है सेट कर दिया, बट फिर भी आप ओवर स्पीड कर रहे हो, मतलब ओवर स्पीड तो नहीं, आप स्पीड में चल रहे हो 100 या स्पीड लिमिट में भी चल रहे हो तो आपका ध्यान यहाँ जाता है इस चीज़ से। वहीं बटन होता तो मेरा जस्ट 1 सेकंड में टैप पे आपसे काम होता कुछ इस तरीके से, आप देखो, और मुझे यहाँ देख के काम करना पड़ रहा है। बट यूज़ टू हो जाऊँगा तो शायद मे भी ये थोड़ा ईजी हो जाए, बट अभी हाल फिलहाल के लिए कोई नया बंदा ड्राइव करेगा तो उसके लिए जो है ये ईजी नहीं होता है। सेटिंग की सेटिंग है ना वो आप यहाँ पे जाके जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे मोड्स आपको जो मिलेंगे यहाँ, जैसे मैंने ड्राइव मोड सेट किया हुआ है तो मैं इस बटन को टॉगल करता हूँ तो यहाँ पे ड्राइव मोड स्विच हो जा सकता है। आप कॉल के लिए, म्यूजिक के लिए, म्यूट के लिए, व्हीकल सेटिंग्स के लिए इस बटन को एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट आप व्हीकल सेटिंग्स में पहुंच जाओगे, अपने हिसाब से जो है इस बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी क्रूज कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है। तो आपको ये बटन प्रेस करना है तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड यहाँ पे लिखा गया। सेट करने के लिए आपको जस्ट इसको टॉगल करना है तो यहाँ पर जो है मैंने 75 पे सेट कर दिया है। इको प्लस में 75 पे स्पीड बहुत स्लो जाती है तो ये ऑटोमेटिक जो है 75 पे अब चल रही है। यहाँ पे कोई लेन असिस्ट वगैरह या डाज वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलता है तो आपको खुद से ही यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर गाड़ी के ऊपर। बट 75 पे आप जो है क्रूज यहाँ पे सेट है। आपको स्पीड कम करनी है तो आप इस टॉगल बटन को नीचे करो, अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लो। मैंने यहाँ पे 60 कर दी तो ये सेट है 60 के ऊपर, अब जो है 60 पे चल रही है। आप रीजन यहाँ पर देखते रहोगे हमेशा, आपको जो है यहाँ पर रीजन दिखता रहेगा। अभी 7 किलोवाट या जितना भी किलोवाट का जो है ये यूज़ कर रही है वो आपको जो है यहाँ पर दिखता रहेगा सारी चीज़। अभी जो है हमने 59 किलोमीटर ड्रिवन कर ली है कार टोटली। स्पीड टेस्ट करते हैं अभी जो है हम इको मोड में, इको प्लस मोड में चलाएंगे और एक्सलेटर करते हैं कितनी जल्दी जो है ये 0 to 100 करती है। इको प्लस में 100 नहीं करने वाली डेफिनेटली, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 67, 69, 70, 75, 80 पे जो है, 82 पे जो है ऑलमोस्ट जो है ओवर स्पीड दिखा के रुक जाती है इको प्लस मोड के अंदर। अब इको मोड पे जो है हम स्विच करते हैं तो अब हम जो है इको मोड लगाते हैं इसका। यहाँ में हमने इको मोड चेंज कर दिया, इसके अंदर देखते हैं कितनी जल्दी ये 100 पे टच होती है। इको प्लस के अंदर तो जो है ये टच नहीं हुई थी, बट अब इको के अंदर देखते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट, इट्स 30, 40, 60, 70, 80, 90, 97 और 100, तो कुछ इतना टाइम जो है इसने लिया। मैं स्लो ब्रेकिंग ले रहा हूँ, अभी ब्रेक टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वापस से हम स्विच करते हैं मोड को और आते हैं नॉर्मल मोड के ऊपर कितनी जो है जल्दी जो है पिकअप लेती है। स्टार्ट, इट्स 37, 38, 50, 60, 67, 70, 80 एंड इट्स 100, तो कुछ इतना टाइम जो है इसने लिया है। अब स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं फाइनली, स्पोर्ट्स मोड में जो है कि कितनी जल्दी जो है पिकअप ले लेती है। स्विच करते हैं मोड स्पोर्ट्स, वापस से 0, 1, 2, 3 स्टार्ट। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको ना फील होती है तुरंत पिकअप की ना, इनिशियल आपको पीछे को धकेलती है और ये आपका 70 और 80, 90, 90, 100 और ये 100 टच होगी। तो सबसे जो है मतलब आप मोड स्विच करते हो ना तो आपको इफेक्टिव दिखता है वो मोड, हर मोड पे मतलब आपको इफेक्टिवनेस दिखती है। ईको प्लस पे तो बिल्कुल मर जाती है, 80 से ऊपर नहीं जाएगी, तो वो रेंज बढ़ाने के लिए, तो वही जो है काम करता है। बाकी चलते हैं आगे, ईको में जो है हम देखते हैं कितनी जो है डिफरेंस आता है। अब हमें इसको जो है नॉर्मल पे कर दिया, 130 क्रॉस। अभी जो है टर्न है तो स्लो डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, 120। बाकी स्पोर्ट्स में भी जो है स्विच करेंगे और देखते हैं जो कितना डिफरेंस आता है। बट बैटरी टोटली ड्रेन होती है सेकंड्स के अंदर, यहाँ पे 88% आ गए जैसे आप मोड स्विच करते हो या स्पीड के ऊपर जो है आप जाते हो।
तो बैटरी जो है उसी हिसाब से जो है उतनी जल्दी जो है ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। 147, 148, 52, अगेन जो है मैंने 55 पे आती जो है स्पोर्ट्स पे डाल दिया है 56। सो 150, 160 की स्पीड जो है इसकी टॉप स्पीड है, यहाँ पे देखोगे तो 156 पे जो है डेड हो गई, इससे ऊपर जो है गाड़ी नहीं जा रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 120 की लिमिट है वैसे, बट मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था तो मैंने मैक्सिमम जो है 150, 152 में 155 मैक्सिमम जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। 160 मान लो कि इसकी जो है टॉप स्पीड रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा खींचोगे, पर बैटरी जो है 86% पे आ चुकी है हमारी, काफ़ी जल्दी स्पोर्ट्स मोड पे जो है ड्रेन होती है। तो अब हम इसको स्विच कर लेते हैं वापस से अपने ईको प्लस के ऊपर, थोड़ा बैटरी बचाते हैं भाई। और रीजन मोड जो है यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है बैटरी को चार्ज भी करता है रीजन मोड। मैंने इसको हाई पे किया हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग लेता है, जैसे आप एक्सीलेटर पेडल छोड़ते हो तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, जैसे रीजन जो है इसका काम करता है बैटरी जो है वापस से चार्ज होने लगती है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है बट रेंज पे जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उससे। तो रात का जो इसका लाइट का थ्रू है ना वो भी ठीक ठाक आपको जो है मिल जाता है, बट रात के समय में एम्बियंस का अंदर की भी और बाहर की भी जो लाइटिंग आती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा जो है इस कार को बनाती है। सारा पूरा एलईडी सा सेटअप मिलता है, चाहे वो लोगो ग्लो होना हो या फ्रंट डीआरएल्स हो या रियर टेल लैंप्स का कनेक्टेड टेल लैंप हो, वो सब कुछ आपको जो है ग्लो होते हुए दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी जो है ये गाड़ी रात में भी लगती है, और थ्रो भी काफ़ी ठीक ठाक आपको जो है इस गाड़ी का मिल जाता है। शिफ्टर आपको यहीं मिलते हैं, अगेन रिवर्स लाइक 360 कैमरा, आप यहाँ पे देख लो क्वालिटी। बड़ी स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी सी डल है बट ठीक है क्वालिटी, एज सच कंप्लेन नहीं है, बट इतनी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी सी आपको जो है डल जरूर लगेगी। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, और रेडियल भी जो है टायर का वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, जिसकी वजह से आपको बम्प्स में या छोटे पट होल्स में थोड़ा सा बेटर फील कराती है कार। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है गाड़ी का। और बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और मोटर की, IP67 जो है आपको इसका मोटर सर्टिफाइड मिलता है, यानी कि पानी वानी में आप जो है निकालोगे तो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल दो वाटर वेडिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा नहीं होती, तो उसी हिसाब से आपको जो है ये ड्राइव भी करनी है पानी में, ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल तैर आगे निकाल लो। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है गाड़ी की ठीक ठाक है, लाइक आपके पास रफ रोड्स बम्पी रोड्स आती है तो उसमें भी जो है ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक आपको जो है इसकी मिल जाती है। कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस रिवील नहीं की है, बस जैसे हमने निकाली है गाड़ी को खराब रास्तों पे या खड्डों वाले रास्तों पे, तो उस हिसाब से 2600 mm का जो इसका व्हील बेस है उसके हिसाब से आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाती है। बात करें इसकी बैटरी की, तो 38 kW का बैटरी पैक जो है इसके अंदर कंपनी ने ऑफर किया है, उसके साथ साथ 136 PS की पावर और 200 Nm का जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करें इसकी रेंज की, तो जो कंपनी क्लेम रेंज है वो 331 किलोमीटर्स की रेंज है। अभी हम जो हाल फिलहाल चला के आए हैं, अभी हमारी 50% बैटरी लेफ्ट है और 158 किलोमीटर की रेंज जो है दिखा रहा है। एग्जैक्ट रेंज कितनी चलेगी वो हमने जो है काउंट नहीं किया है, जो कंपनी क्लेम रेंज है वो है 331 किलोमीटर्स की। तो भाई अब इसका हम जो है 0 to 100 करते हैं, स्पोर्ट्स मोड में मैंने लगा दी, 82% अभी हमारी बैटरी दिखा रही है। 100 पे या 120 पे जो है हम इसके ब्रेक लेंगे, आगे पीछे जब कोई नहीं होगा तो वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ। 120 की स्पीड लिमिट है तो 120 के आसपास जो है हम इसका ब्रेक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, लेट्स गो। 20 30 45 60 67 80 89 90 और 100 और 110। अब 120 पे जो है मैं इसके ब्रेक लेने वाला हूँ। ब्रेक बाइट जो आपने देख ली है कितनी बेहतरीन जो है इसकी, स्केटलाइन मारते हुए आगे तक जाती है गाड़ी काफ़ी। बट 120 पे ब्रेक लगे थे, बट ब्रेक्स अच्छे हैं गाड़ी के, 120 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है खींचते भी हैं, प्लस ग्रिप भी अच्छी देते हैं। दोस्तों ये था पूरी गाड़ी का रिव्यू। अब मैं इसका कंक्लूजन बताऊँ तो आपको गाड़ी के अंदर आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, गाड़ी के अंदर फीचर्स की कोई कमी नहीं होने वाली है, स्क्रीन सबसे बड़ी सेगमेंट के या सेगमेंट से ऊपर की भी इतनी बड़ी स्क्रीन आपको कोई ऑफर नहीं करता है, जो कि आपको ईवी गाड़ी में आपकी जो है हेल्प कर देती है। लाइक आप चार्जिंग वगैरह पे बैठे हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है आपकी एंटरटेनमेंट पर्पज़ से। बाकी जो कमियाँ मुझे लगी है मेन, मैं वो सिर्फ एक फ़िज़िकल बटन्स की कुछ कमियाँ लगी है मुझे, जो कि कंपनी ने देने चाहिए थे। सेकेंड, जो कंपनी ने इसको शॉफर ड्रिवन कार की तरह प्रोजेक्ट किया है तो उनको रियर सीट में भी वेंटिलेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है। बाकी इसके सारे टोटल ओवरऑल स्पेस फीचर्स वगैरह में आपको जो है कोई कमी नहीं लगेगी, लाइक इसके ब्रेकिंग हो गई ड्राइव के टाइम पे, सस्पेंशन हो गए,
आपकी स्पीड हो गई 150 किलोमीटर तक की, जो है टॉप स्पीड जो है टच कर जाती है। ऑल ओवर गाड़ी जो है परफेक्ट पैकेज बनती है, बट इसके प्राइस जो है अभी कंपनी ने रिवील नहीं किए हैं, आने पे आपको जो है कमेंट सेक्शन में या फिर डिटेल्स के अंदर जो है अवेलेबल करा दी जाएंगे। अभी जो कंपनी ने प्राइस रिवील की है वो 10 लाख जो है एक शोरूम रिवील किए हैं विदाउट बैटरी, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज पे आप बैटरी बाय कर सकते हैं एम जी से। उसमें भी काफ़ी सारे प्लान के ऑप्शन आपको जो है दिए गए हैं, वो आप अपने एंड से चूज़ कर सकते हैं और आप डीलरशिप पे जाके जो है पता कर सकते हैं आपको क्या पैकेज जो है ऑफ़र में आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो ऑल वीडियो में यही था, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, हैव फन।